सबको नमस्कार, गुड आफ्टरनून. प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक. द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर, यानी प्रार्थना के ऊपर प्रवचन या प्रार्थना के ऊपर संभाषण. दिस वॉज द नेम ऑफ द लेक्चर, दिस वॉज द नेम ऑफ द स्पीच that was delivered by Mahatma Gandhi to a group of students. विद्यार्थियों के एक समूह को महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए प्रवचन का बच्चों ये नाम है. और ये पाठ हम पढ़ रहे थे तो इसको ये देखें आप कि हमने कहाँ तक पढ़ दिया था, आपको इस बात का पता होना चाहिए. तो बच्चों आप देख रहे हैं एट पेज नंबर 103 के ऊपर बच्चों ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो अपार्ट, यहाँ से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक अपन इसको पढ़ चुके हैं. तो देखो आइए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये अपार्ट. देयरफोर फ्रॉम इट्स बियरिंग ऑन मैन्स कंडीशन आफ्टर डेथ, ये बताया गया बच्चों कि प्रार्थना मरने के बाद मनुष्य की गति या मनुष्य की दशा को प्रभावित करती है. ऐसा लोग कहते हैं, पीपल से लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा तो हम में से किसी ने देखा नहीं है. लेकिन गांधी जी ये कहते हैं कि यदि एक मिनट के लिए इस बात को छोड़ भी दिया जाए कि मरने के पश्चात प्रार्थना किसी व्यक्ति विशेष की जो आत्मा है उसकी सद्गति में सहायक होती है, यदि इस बात को एक बार के लिए छोड़ भी दिया जाए तो बच्चों मरने के बाद तो आपको परलोक मिलता है, लेकिन ये जो ई है लोक अर्थात ये मृत्यु लोक जो है इसमें भी प्रार्थना के बहुत फायदे हैं. प्रार्थना के साइंटिफिक बेनिफिट्स भी महात्मा गांधी ने गिनाए हैं, प्रार्थना के वैज्ञानिक लाभ हैं. तो बच्चों वो कौन कौन से फायदे हैं देखो आप जरा, इसे बताया गया कि देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, अपार्ट देयरफोर फ्रॉम. तो जो देयरफोर को एक बार आप आगे लाओ और अपार्ट फ्रॉम को साथ साथ रखो. तो देयरफोर अपार्ट फ्रॉम, देयरफोर माने इसलिए, अपार्ट फ्रॉम माने के अलावा. तो अपार्ट फ्रॉम या इन एडिशन टू इट्स बियरिंग, इन एडिशन टू इट्स इफेक्ट, यानी इसके जो प्रभाव हैं उनके अलावा, ऑन मैंस कंडीशन आफ्टर डेथ, मृत्यु के पश्चात मनुष्य की दशा पर इसके जो प्रभाव पड़ते हैं उन प्रभावों के अलावा, प्रेयर हैज इनकैलकुलेबल वैल्यू, प्रार्थना की है अगणनीय महत्ता. इनकैलकुलेबल वैल्यू का मतलब होता है कि वेरी मच इंपॉर्टेंस. इसका मतलब होता है वेरी मच इंपॉर्टेंस, यानी प्रेयर हैज में वेरी मच इंपॉर्टेंस, प्रार्थना जो है उसके बहुत अधिक फायदे हैं फॉर मैन यानी सभी मनुष्यों के लिए इन दिस वर्ल्ड ऑफ लिविंग. इन दिस वर्ल्ड ऑफ लिविंग माने इस सांसारिक जीवन में भी, यानी मरने के बाद में प्रार्थना को जो फायदे पहुंचाती है एक बार की अगर उनको छोड़ भी दिया जाए तो भी ये जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग यानी ये जो सांसारिक जीवन है इस सांसारिक जीवन में भी जो प्रार्थना के फायदे हैं उनको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता. दे आर इनकैलकुलेबल, दे आर इनकैलकुलेबल का मतलब होता है बच्चों कि प्रेयर हैज इनकैलकुलेबल वैल्यू, यानी प्रार्थना जो है उसकी ऐसी वैल्यू है, प्रार्थना का ऐसा मूल्य है कि उसका अंकन नहीं किया जा सकता है. दैट द वैल्यू ऑफ द प्रेयर कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, यानी प्रार्थना जो है उसकी कीमत या उसके मूल्य को एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है, यहाँ तक कि इस सांसारिक जीवन में भी. इवन इन दिस वर्ल्ड ऑफ लिविंग अर्थात यहाँ तक कि सांसारिक जीवन में भी, वी इनवेट्स ऑफ द आश्रमा हु कम हियर इन सर्च ऑफ ट्रूथ, यह बताया गया है कि वी यानी हम लोग हु आर द इनमेट्स, वी यानी होता है हम लोग. तो बच्चों ये पारा पार्ट चैप्टर का नाम है. तो वी यानी हम लोग हु आर द इनमेट्स ऑफ द आश्रमा. देखो बच्चों ये शब्द है INMATE, तो इनमेट का मतलब होता है रहने वाले लोग, अंदर रहने वाले लोग, ठीक है. तो वी
हु आर द इनमेट्स ऑफ द आश्रम, अर्थात हम लोग जो इस आश्रम के क्या हैं, रेजिडेंट्स हैं. हु आर द रेजिडेंट्स और इन इनहेबिटेंट्स, वी हु आर द इनहेबिटेंट्स और द रेजिडेंट्स ऑफ दिस आश्रम, यानी महात्मा गांधी का जो आश्रम है उसकी बात की जा रही है कि हम लोग जो इस आश्रम के इनहेबिटेंट्स हैं या हम लोग जो इस आश्रम के रेजिडेंट हैं, वी कम हियर इन सर्च ऑफ ट्रूथ, हम ये क्यों आते हैं, हम बच्चों यहाँ पर सच्चाई की जुस्तजू, सच्चाई की जो तलाश है उसमें हम यहाँ आते हैं. वी कम हियर, हम यहाँ खुदा की जुस्तजू में आते हैं, हम ईश्वर को ढूंढने के लिए आते हैं क्योंकि सत्य ही ईश्वर है. तो वी कम हियर इन सर्च ऑफ ट्रूथ, अर्थात हम ये किसकी खोज में आते हैं, हम बच्चों यहाँ पर सच्चाई की खोज में आते हैं, हम यहाँ सच्चाई को ढूंढने के लिए आते हैं. एंड फॉर इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, एंड ऑल्सो वी कम हियर फॉर इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, साथ ही साथ हम इसलिए भी आते हैं सो दैट, देखो इंसिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों, ये जो शब्द है इंसिस्टेंस, इसका मतलब ये है कि वी आल्सो कम हियर फॉर इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, अर्थात हम यहाँ पर सत्य, इंसिस्टेंस फॉर ट्रूथ, यानी हम यहाँ सत्य के आग्रह के लिए आते हैं. महात्मा गांधी जी कौन सा आंदोलन चलाते थे, सत्याग्रह. तो हम यहाँ पर सत्य की तलाश और सत्य के आग्रह के लिए आते हैं. वी कम हियर, वी हु आर द इनमेट्स ऑफ द आश्रम, अर्थात हम लोग जो आश्रम के इनमेट हैं, वी कम हियर इन सर्च ऑफ ट्रूथ, हम आते हैं यहाँ सत्य को ढूंढने के लिए, एंड फॉर इंसिस्टेंस एंड फॉर द इंसिस्टेंस ऑफ ट्रूथ, अर्थात हम सत्य का जो आग्रह है उसके लिए भी यहाँ पर आते हैं. एंड फॉर इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, और सत्य के आग्रह के लिए भी हम आते हैं. Professed to behave in the efficacy of prayer, professed to behave in the efficacy of prayer. इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि professed यानी होता है declare, अर्थात हम घोषणा करते हैं. To behave नहीं, to believe in the efficacy of prayer, और हम इस बात की घोषणा करते हैं कि we believe, यानी हम विश्वास करते हैं. We declare, we announce that we are believers. हम विश्वास करते हैं किसमें, इन द एफिकेसी ऑफ प्रेयर. देखो बच्चों, इन द एफिकेसी, ये जो बच्चों एफिकेसी शब्द है ना, इसको हिंदी में आप यो समझो, प्रभावोत्पादकता. इसका मतलब समझ गए, हम प्रभावोत्पादकता में विश्वास करते हैं. और हम जो है, हम किस में विश्वास करते हैं, हम प्रभावोत्पादकता में विश्वास करते हैं. किसकी प्रभावोत्पादकता बच्चों, हम ये घोषणा करते हैं कि हम जो प्रार्थना की प्रभावोत्पादकता है उसमें हम विश्वास करते हैं. प्रार्थना का बड़ा प्रभाव होता है, उसकी एफिकेसी, उसकी तासीर होती है, उसका असर या उसका प्रभाव होता है. और हम उस असर के अंदर, हम उस तासीर में, हम उस प्रार्थना में क्या करते हैं बच्चों, हम यकीन करते हैं, हम ऐसी घोषणा करते हैं. But had never up to now made it a matter of vital concern. लेकिन हमने आज तक क्या नहीं किया है, behave up to now का मतलब होता अब तक, we have never made it a matter of vital significance. अर्थात हमने आज तक कभी भी, हम घोषणा तो करते रहते हैं कि साहब हम आए हैं और हम विश्वास करते हैं किसमें, हम सत्य की, हम प्रार्थना की प्रभावोत्पादकता में विश्वास करते हैं. But we have never made it up to now. हम अब तक जो हमने इसको क्या नहीं बनाया है, ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस का मतलब देखो बच्चों दिया हुआ कि But had never up to now. लेकिन अब तक भी we had never made it a matter of vital importance. लेकिन हमने आज तक जो है इस बात को क्या नहीं बनाया है, हमने आज तक इस बात को बच्चों बहुत महत्व की बात नहीं माना है. हम आते हैं, हम सत्य को ढूंढने के लिए आते हैं, हम सत्य के आग्रह के लिए आते हैं. और हम ये भी घोषणा करते फिरते हैं कि हम प्रार्थना की प्रभावोत्पादकता में विश्वास करते हैं. But we have never made it up to now. लेकिन हमने आज तक इसको नहीं बनाया है क्या, ए मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस. लेकिन आज तक हमने जो है इसे कभी गंभीर नहीं लिया. We have never taken it serious.
अप टू नाउ यानी आज तक हमने इस बात को कभी गंभीर नहीं लिया है, हमने आज तक कभी इसको जो महत्व की बात नहीं माना है. वी डिड नॉट बेस्टो ऑन इट, वी डिड नॉट बेस्टो ऑन इट द केयर दैट वी डिड ऑन अदर मैटर्स. वी डिड नॉट बेस्टो ऑन इट का मतलब होता है बच्चों, बेस्टो केयर का मतलब होता है ध्यान देना. तो हम इसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना हम दूसरी बातों पर ध्यान देते हैं. खाने में आपका पूरा ध्यान है, पढ़ने में भी आपका पूरा ध्यान है, होना भी चाहिए, खेलने कूदने में भी है, लेकिन प्रार्थना पर बच्चों हमारा उतना ध्यान नहीं होता है. हालांकि हम कहते जरूर हैं कि साहब हम विश्वास करते हैं भगवान में, यह है वो है और ईश्वर के लिए हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन सच बात यह है कि हम जो है ध्यान नहीं देते हैं. या यही बताया गया है देखो कि ये बताया गया है कि वी डिड नॉट बेस्टो ऑन इट द केयर. बेस्टो केयर का मतलब ध्यान देना होता है. वी डिड नॉट बेस्टो ऑन इट द केयर, हम इसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं या हमने उसके ऊपर आज तक इतना ध्यान कभी नहीं दिया है. दैट वी डिड ऑन अदर मैटर्स, जितना कि हमने अन्य मामलात पर दिया है. हम जीवन की अन्य बातों के ऊपर जितना ध्यान देते हैं, वी डोंट गिव सो मच केयर, वी डोंट बेस्टो सो मच केयर ऑन इट, हम उतना ध्यान इसके ऊपर कभी भी नहीं देते हैं. ध्यान दो बच्चों, शब्द क्या लिखा हुआ है? BESTOW, बेस्टो केयर. इसका अर्थ होता है टेक केयर, यानी टेक केयर यानी किसी का ध्यान रखना. ठीक है, तो वी डिड नॉट बेस्टो सो मच केयर ऑन दिस, हमने इसके ऊपर जो है कभी भी उतना ध्यान नहीं दिया है एज वी डिड ऑन अदर मैटर्स, जितना कि हमने जो अन्य मामलात है उन पर ध्यान दिया है, इतना ध्यान हमने आज तक इस प्रार्थना के मुद्दे के ऊपर कभी भी नहीं दिया है, देते भी नहीं है हम. और देखो, आई वोक फ्रॉम माई स्लम्बर वन डे, एक दिन मैं अपनी नींद से जागा. स्लम्बर का मतलब होता है बच्चों शॉर्ट स्लीप. स्लम्बर का मतलब क्या होता है? शॉर्ट स्लीप. ठीक है, ये शब्द लिखा हुआ है आई वोक अप फ्रॉम माई स्लम्बर. आई वोक अप फ्रॉम माई स्लम्बर वन डे. आई वोक अप फ्रॉम माई स्लम्बर वन डे, इसका मतलब आई वोक अप फ्रॉम माई शॉर्ट स्लीप. शॉर्ट स्लीप का मतलब बच्चों क्या होता है? झपकी. अपन क्या करते हैं गहराई से, मतलब बहुत साउंड स्लीप भी नहीं है, और शॉर्ट स्लीप का मतलब एक थोड़ी सी झपकी हमको आ गई थी और मैं एक दिन क्या हुआ कि अपनी जो ज्ञान की नींद है उस नींद में से जो जाग गया. एंड रियलाइज्ड दैट, और मुझे इस बात का एहसास हो गया कि आई हैड बीन वॉकफुली नेग्लिजेंट ऑफ माई ड्यूटी. आई हैड बीन वेरी बेडली केयरलेस अबाउट माई ड्यूटी, यानी मैं अपने कर्तव्य के प्रति बेहद लापरवाह रहा हूं. मैं अपने कर्तव्य के प्रति बुरी तरह से लापरवाह रहा हूं, मुझे इस बात का एहसास हो गया है. इन द मैटर, माने कम से कम इन दिस रिगार्ड, इस मामले में, यानी इस मामले में, यानी प्रार्थना के मामले में मैं अपने कर्तव्य के प्रति बेहद लापरवाह रहा हूं, बुरी तरह से लापरवाह रहा हूं. आई रियलाइज इट, मुझे इस बात का एहसास हुआ. वन डे आई वॉक अप, या वन डे आई वॉक फ्रॉम द स्लम्बर ऑफ इग्नोरेंस, एक दिन मैं अपने अज्ञान की नींद में से जाग गया. एंड आई केम टू नो दैट, और आई रियलाइज दैट, और मुझको इस बात का एहसास हो गया दैट आई हैड बीन वेरी मच नेग्लिजेंट, आई हैड बीन वेरी नेग्लिजेंट इन माई ड्यूटी इन दिस रिगार्ड, यानी प्रार्थना के मामले में मैं अपने कर्तव्य को लेकर के बुरी तरह से लापरवाह रहा हूं, बहुत ज्यादा मैं लापरवाह रहा हूं, इस बात का मुझे एहसास हो गया है. आई हैव देयरफॉर सजेस्टेड ए मेजर ऑफ स्टर्न डिसिप्लिन. यही वजह है बच्चों कि मैंने आपको क्या सुझाए हैं, ए मेजर ऑफ स्टर्न डिसिप्लिन का मतलब सख्त अनुशासन, या जो कठोर अनुशासन होते हैं उसके मेजर. मेजर का मतलब होते हैं बच्चों जो उसके मापदंड हैं, अर्थात जो उसके कदम, उसके उपाय जो हैं वो मैंने आपको सुझाए हैं. आई हैव देयरफॉर एडवाइज्ड ए मेजर, है ना, ए डिवाइस ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, यानी जो कठोर अनुशासन होता है उसके कई उपाय इसी वजह से मैंने आपको सुझाए हैं. एंड फार फ्रॉम बींग एनी द वर्स, और बच्चों एंड फार फ्रॉम, फार का मतलब होता दूर, एंड फार फ्रॉम बींग अर्थात दूर होने से, है ना, एनी द वर्स का मतलब होता है किसी भी तरह के, एनी द वर्स होप, यानी किसी भी प्रकार की जो बुरी उम्मीद है, किसी भी प्रकार की जो बुरी आशा है उससे दूर होने के, है ना, उससे दूर होने के लिए वी आर द बेटर फॉर इट, अर्थात हम क्या हैं, हम इसके, हम जो है
ज्यादा बेटर हैं। देखो दोबारा समझो इस बात को, क्या लिखा हुआ है, आई हैव देयरफॉर सजेस्टेड ए मेजर ऑफ स्टर्न डिसिप्लिन, इसीलिए मैंने क्या किया है आपको कठोर अनुशासन के जो है अनेकानेक उपाय सुझाए हैं। एंड फार फ्रॉम बीइंग एनी द वर्स एंड फार फ्रॉम बीइंग एनी द वर्स आई होप, और मैं ये आशा करता हूँ कि है ना किसी भी तरह के बुरे से दूर होने, किसी भी तरह के जो है दूर किसी भी तरह के बुरे से दूर होने, है ना, वी आर द बेटर फॉर इट, अर्थात किसी भी तरह के देखो है ना, एंड फार फ्रॉम बीइंग एनी द वर्स, अर्थात किसी भी तरह का जो बुरा होता है तो किसी भी तरह के का बुरा होने से दूर होने के बजाय जो है वी आर द बेटर फॉर इट, अर्थात हम क्या हैं, हम इसके लिए बेहतर विकल्प हैं, फॉर एनी बिकॉज इट इज सो ऑब्वियस, बिकॉज इट इज सो क्लियर, क्योंकि बच्चों ये बहुत ही साफ है, ये बात तो बिल्कुल खुलासा है। टेक केयर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इसका मतलब ये होता है कि है ना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ का मतलब होता है बच्चों टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, तो कायदेश तो बच्चों यहां पर सेल्फ आना नहीं चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए इसकी वजह हम आपको समझाते हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ नहीं आएगा, क्या आएगा देखना आप, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एक बात तो बच्चों ये हो गई है, और दूसरी हो गई है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, दोनों में बच्चों अंतर ये है, ध्यान दो। अभी मैं आप लोगों को संबोधित कर रहा हूं, एट प्रेजेंट यू ऑल आर बीइंग एड्रेस्ड बाय मी, आप सबको मेरे द्वारा संबोधित किया जा रहा है, तो बच्चों आप ये समझो जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं तो मैं आपको ये कहूंगा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, नीचे वाला कहूंगा बिकॉज यू आर मोर देन वन इन द नंबर, क्योंकि आप संख्या में एकाधिक हैं। लेकिन सारे विद्यार्थी यदि मुझे संबोधित कर रहे हैं, मुझे कुछ कहना चाहते हैं, तो बच्चों मैं तो एक हूं, इसलिए आप मुझे ये कह सकते हैं सर यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आप मेरे लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं बिकॉज आई एम वन इन नंबर, मेरी संख्या सिर्फ एक है। तो बच्चों यहां महात्मा गांधी जी किसको संबोधित कर रहे हैं, हियर महात्मा गांधी जी इज एड्रेसिंग ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, या महात्मा गांधी जी एक विद्यार्थियों के दल को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए ग्रामेटिकली ये बिल्कुल गलत है बच्चों कि यहां पर योर सेल्फ का प्रयोग नहीं होगा, योर सेल्व्स का होगा, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में ये कहा है कि आई एम वेरी मच हैप्पी, मुझे ये जान करके बहुत खुशी है दैट ऑल ऑफ यू वांट मी टू स्पीक टू यू ऑन द प्रनिवेंस ऑफ प्रेयर, आप सब ये चाहते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना की प्रासंगिकता के ऊपर चर्चा करूं, और यहां क्लियर कट शब्दों में बताया गया ही इज एड्रेसिंग ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज बीइंग एड्रेस्ड बाय हिम, तो बच्चों वहां से एक से ज्यादा लोग हैं, इसलिए यहां योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में जो योर सेल्फ आ रहा है वो गलत है, वो मिसप्रिंट है, उसे आपको योर सेल्फ यूज करना चाहिए। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके,
Father, बच्चों, once again, I am before you. Let us continue the lesson. आइए बच्चों अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं हम और यहाँ तक हम आ गए थे. Take care of yourself. तो मैंने आपको कहा कि yourself नहीं होगा, yourselves होगा. Take care of yourselves. आपको अपने आप का ध्यान रखना चाहिए. And the things will take care of themselves. और चीजें क्या करेगी बच्चों? चीजें अपना ध्यान स्वयमेव रख लेंगी. इसका मतलब ये हुआ जी, दुनिया को जक्को सुधारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. यू अमेंड योर सेल्व्स, तुम अपने आप को सुधारो. एंड द वर्ल्ड विल ऑटोमेटिकली बी अमेंडेड. और ये दुनिया क्या होंगी? ये तो स्वतः ही सुधर जाएंगी, क्योंकि बच्चों इस दुनिया की एक इकाई तुम हो. जब एक एक इकाइयां सुधरेंगी तो ये संसार तो सारी इकाइयों से मिलकर बना है. जब तुम सुधरोगे, समझ में आ रही है? हे माँ, पहले मैंने सुधार और मैं सुधरू, सुधरे परिवार, परिवार और ले आधार, सुधरे यू सगड़ो संसार. ये सरस्वती माँ की एक प्रार्थना है. तो बच्चों इसमें हमको अपने आप को सुधारना होगा. जब हम सुधरेंगे तो परिवार सुधरेगा और परिवारों का आधार लेकर के पूरा संसार सुधर जाएगा. इसलिए आप एक यूनिट हो. यू आर ए यूनिट ऑफ दिस वर्ल्ड. आप इस संसार की एक यूनिट अर्थात एक इकाई है. अब इतनी एक एक, अगर एक एक यूनिट सुधरेगी तो ये पूरी दुनिया सुधर जाएंगी. इसलिए महात्मा गांधी ने बहुत ही दमदार लाख रुपए की बात कही है. क्या बात कही है? कि टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स. मैं बहुतों को कह रहा हूं तो, और अगर एक को कह रहा हूं तो योर सेल्फ भी आएगा. तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ या योर सेल्व्स. अपने आप का ध्यान रखो. एंड द थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देम सेल्व्स. और चीजें या जो परिस्थितियां या जो हालात हैं वो अपना ध्यान खुद ब खुद रख लेंगे. तुमको दुनिया की परवाह अन पड़ी है, जबकि तुम्हें खुद के अंदर बहुत सारी क्या है, खोट हैं. तुम्हारे स्वयं के अंदर बहुत सारे ऐब हैं. इसलिए जरूरत यह है कि चैरिटी बिगिंस एट होम. बच्चों अंग्रेजी में कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम, का मतलब ये होता है कि अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से करो, अपने आप से करो. जब आपने सुधार कर दें का ये जो महाअभियान छेड़ दिया है, तो लेट इट बी स्टार्टेड फ्रॉम योर ऑन. इसे आप अपने आप से शुरू कीजिए. लेट इट बी स्टार्टेड फ्रॉम योर सेल्फ. अगर आप शुरू कर रहे हैं तो इसको आप अपने आप से शुरू कीजिए. लेट मी स्टार्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ. मुझे इसको अपने आप से शुरू करना चाहिए. अच्छा, आज क्या है देखो, आज की बातों पर भी ध्यान दो आप. रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ स्क्वायर एट द अदर एंगल्स विल बी ऑटोमेटिकली राइट. देखो बच्चों, एक बात मुझे बताइए कि आप जानते हो ये एक शब्द है, यहां तक आप इस बात को देखो बच्चों, ये आयत तो है नहीं. आयत नहीं है इसका मतलब दिस इज नॉट ए रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल नहीं है. फिर ये क्या है? दिस इज ए स्क्वायर. ये स्क्वायर क्यों है? कि इसकी चारों दिशाएं बराबर हैं, चारों इसकी जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं. ये भुजा सारों भुजाएं बराबर है. अब मुझे एक बात बताओ कि ये कोण बिगड़ा हुआ है यार. इसको 90 डिग्री का जो राइट एंगल है वो होना चाहिए, लेकिन अगर ये बिगड़ा हुआ तो इसको सुधार दो. आप अगर इसे सुधारोगे तो इन तीनों को सुधारने की आवश्यकता नहीं है. दे विल ऑटोमेटिकली बी राइट. वो अपने आप सही हो जाएंगे. आई बात समझे? तो इसका मतलब ये हुआ जी, यू रेक्टिफाई, यू करेक्ट और यू अमेंड और यू रिफाइन योर सेल्फ. तुम अपने आप को रिफाइन करो, औरों की परवाह मत करो. अदर्स विल ऑटोमेटिकली बी रिफाइंड. और जो बाकी लोग हैं ना, वो तो अपने आप ही रिफाइन हो जाएंगे. दे विल ऑटोमेटिकली बी करेक्टेड. और उनके अंदर जो गलतियां हैं वो सारी गलतियां अपने आप दूर हो जाएंगी. तुम तो अपनी फिक्र करो, अपने काम से मतलब रखो. बिगिन देयरफॉर को फिर आगे लाओ. देयरफॉर बिगिन योर डे विद प्रेयर. इसलिए महात्मा गांधी जी कहते हैं बच्चों, लेट योर डे बी बिगन विद अ प्रेयर. तुम्हारा दिन बच्चों, तुम्हारे दिन की शुरुआत प्रार्थना से करो. तुम्हारे दिन की शुरुआत प्रार्थना से होनी चाहिए. यू शुड बिगिन योर डे विद प्रेयर. तुम्हें अपना दिन प्रार्थना के साथ शुरू करना चाहिए. शुड बच्चों इसलिए बोला हमने, मस्ट हमने इसलिए नहीं बोला, क्योंकि ये स्वयं के हित में दी गई सलाह है. अगर आपको इसे स्वीकार करना तो कर लो,
और नहीं करोगे तो इससे हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो स्वयं के हित में दी गई सलाह के लिए हम शुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया है? तो देयरफॉर बिगिन योर डे विद प्रेयर, इसलिए अपने दिन की शुरुआत किससे करो? प्रार्थना से करो। एंड मेक इट सो साउंडफुल दैट, और अपने एंड मेक इट सो साउंडफुल दैट, और बच्चों एंड मेक इट सो साउंड दिस, मेक इट सो सोलफुल दैट, और इस प्रार्थना को इतना आत्मीय बनाओ। यानी जब आप प्रार्थना बोलो तो ऐसा नहीं कि आपके शब्द निकल रहे हैं, आपका दिल निकलना चाहिए। आपको जो बोलना है वो दिल से बोलना चाहिए। जब आप प्रार्थना करो तो ईश्वर के प्रति आपका सच्चा समर्पण होना चाहिए। आपका रोम रोम जो है वो ईश्वर की विरदावली गा रहा होना चाहिए। एंड मेक इट सो, एंड मेक इट सो सोलफुल दैट, और अपनी प्रार्थना को इतना आत्मामय बनाओ, इतना तुम राम को गाते समय राममय हो जाओ। जब तुम राम गाते हो तो राममय हो जाओ, आपका और राम का भेद समाप्त हो जाना चाहिए। तो अपनी प्रार्थना को इतना आत्ममय बनाओ, इतना आत्मामय बनाओ दैट इट मे रिमेन विद यू अंटिल द इवनिंग। अपनी प्रार्थना को इतना आत्मामय बनाओ कि इसका असर, इसकी तासीर तुम्हारे साथ सुबह से लेकर शाम तक बनी रहे, शाम तक इसका असर जो है तुम्हारे दिलो दिमाग के ऊपर बना रहे। और जब जब आप दिन में कोई खराब काम करो तो प्रार्थना आपके अड्डे आए, वो आपको, वो आपकी आत्मा को कचोटे, वो आपको इस बात का एहसास कराए कि नहीं, ये जो आप कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। शाम तक की तो बात है, शाम को तो आप कुछ करोगे नहीं, फिर तो सो जाओगे। फिर दूसरे दिन की जब शुरुआत होगी तो फिर प्रार्थना से शुरू करो, और प्रार्थना को इतना आत्ममय तरीके से बोलो जी अगली शाम तक उसकी तासीर आपके दिलो दिमाग के ऊपर छाई रहे, उसका असर तुम्हारे मनोमस्तिष्क के ऊपर छाया रहे। क्लोज द डे, और बच्चों दिन का समाप्त करो। जब दिन आपका समय आ रहा, दिन की शुरुआत भगवान का नाम लेके करो। दिन की शुरुआत आप भगवान का नाम लेके करो, और दिन का अवसान कैसे करोगे? जब दिन समाप्त हो जाएगा तो क्लोज द डे विद प्रेयर, और जब दिन समाप्त हो जाए तो बच्चों दिन का अवसान या दिन का विसर्जन भी आप प्रार्थना के साथ ही करो। आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप आधा घंटा की प्रार्थना मत बोलो, सिर्फ आप जो है दो राम के नाम भी ले सकते हो, वो भी एक प्रार्थना है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो यह बताया गया, तो इससे क्या फायदा होगा बच्चों? अगर आप शाम को प्रार्थना बोल के सोओगे तो रात के अंदर बुरे बुरे ख्वाब, आपके व्यक्तित्व को भटकाने वाले ख्वाब आपको नहीं आएंगे। आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे, आप अपना जो चित्त है उसको एकाग्र रख सकेंगे। तो इस सबके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी इंद्रियां जो है आपके काबू में रहे, और इसके लिए प्रार्थना ही एकमात्र रामबाण औषधि है। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि क्लोज द डे विद प्रेयर, यानी अपना जो दिन है बच्चों उस दिन का समापन भी प्रार्थना के साथ करो, सो दैट ताकि यू मे हैव अ पीसफुल नाइट। इसलिए बच्चों आपको क्या मिल सके? इसलिए आप जो है एक शांतिपूर्ण रात्रि व्यतीत कर सको, फ्री फ्रॉम ड्रीम्स एंड नाइट मेयर्स। अर्थात जो रात के सपने और रात के दुस्वप्न, रात के सपने और रात के दुस्वप्न, यानी अच्छे सपने भी क्या है, खराब ही है, अपने को अच्छे सपनों को क्या करना है, और बुरे सपने तो अपनी जगह हैं। तो अच्छे सपने और खराब सपने उनसे बिल्कुल फ्री, अच्छे तथा खराब सभी प्रकार के सपनों से मुक्त एक शांति पूर्ण रात्रि आप व्यतीत कर सकें, तो इसके लिए आपको ये जरूरी है कि आप अपना जो दिन है उसकी शुरुआत जिस प्रकार से बच्चों आपने किसके साथ की थी, आपने अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ की थी, इन द सेम वे ठीक उसी प्रकार से यू शुड क्लोज योर डे। आपको अपना दिन जो है उसको उसका अवसान करना चाहिए, उसका समापन भी करना चाहिए विद प्रेयर, माने प्रार्थना के साथ ही। डू नॉट वरी अबाउट द फॉर्म ऑफ प्रेयर। अब बच्चों एक बात ये भी है कि हम कौन सी प्रार्थना बोले, तो यह बताया गया है कि डू नॉट वरी अबाउट द फॉर्म ऑफ प्रेयर। तो यहां बच्चों ये बताया गया है कि डू नॉट वरी अबाउट द फॉर्म ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के रूप के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई गायत्री मंत्र पढ़ता है, कोई अल्लाह की अजान पढ़ता है, कोई फादर को बोलता है, फादर को याद करता है, कोई हम भगवान श्री राम को याद करते हैं, हनुमान जी को याद करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप भी बजरंग बली के ही पाठ करो, आप अपने अल्लाह के कर लो, क्या दिक्कत है, जिसके करने उसके कर लो, है ना। तो इस प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है हमारी तरफ से, लेकिन बात दरअसल ये है कि ये बताया गया है कि डू नॉट वरी अबाउट द फॉर्म ऑफ प्रेयर, यानी प्रार्थना का जो स्वरूप है उसके बारे में ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रार्थना का स्वरूप जो है बच्चों डिफाइंड नहीं है, जो हमने कह दिया वो नहीं है, प्रार्थना का स्वरूप कोई भी है ना। दूसरी बात ये भी है कि कोई संस्कृत का श्लोक याद नहीं कर सकता बिना पढ़ा लिखा आदमी,
तो वो अपनी मातृभाषा के अंदर भगवान का स्मरण कर सकता है। तो इस प्रकार का कुछ भी नहीं है जी साहब, ये जो एक फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट के अंदर ही आपको प्रार्थना बोलनी है, ऐसा नहीं है। आप अपने मन से जो ईश्वर को, ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हो। ओके, तो डू नॉट वरी अबाउट द फॉर्म ऑफ प्रेयर, लेट इट बी एनी फॉर्म। अरे इसका चाहे कोई सा भी स्वरूप हो चलेगा, प्रार्थना का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो चलेगा। इट शुड बी सच एज अर्थात इसको ऐसा होना चाहिए दैट कैन पुट अस इन कम्युनियन विद द डिवाइन। बस प्रार्थना का स्वरूप चाहे कैसा भी हो, चाहे प्रार्थना आप अंग्रेजी में बोलो, चाहे प्रार्थना आप हिंदी में बोलो, चाहे प्रार्थना आप संस्कृत में बोलो, बट इट शुड बी इन द फॉर्म, इट शुड बी इन सच्चे वे दैट, परंतु बच्चों इसको इट शुड बी सच एज दैट, इसको ऐसा होना चाहिए दैट इट कैन मेक अवर कम्युनियन और इट कैन मेक अवर कॉन्टैक्ट विद द डिवाइन, ये ईश्वर के साथ हमारा संपर्क स्थापित करवा सके, ये ईश्वर के साथ हमारे संपर्क सेतु का कार्य कर सके। बस फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप महातांडव शिव स्त्रोत पढ़ते हो, या फिर आप महज हनुमान चालीसा ही पढ़ते हो, या सिर्फ राम राम जी माला ही फेरते हो, या अल्लाह की अजान बांसते हो, है ना, या जो है जो लॉर्ड जीसस क्रिस्ट है उनके लिए आप कुछ प्रार्थना वगैरह बोलते हो, तो या पंजाबी लोग क्या करते हैं अपने जो गुरु ग्रंथ साहिब को करते हैं, है ना, उनको वो उनका अलग तरीका है प्रार्थना करने का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात सिर्फ यह है कि आप जो है पल दो पल के लिए, घड़ी दो घड़ी के लिए इस दुनिया से असंपृक्त हो जाएं और जो है आप द्वंद्वातीत हो जाएं, आप द्वंद्वातीत हो जाएं अर्थात सभी प्रकार के आपके द्वंद्व समाप्त हो जाएं और आप जो है घड़ी दो घड़ी के लिए राममय हो जाएं, ऐसा वो प्रार्थना कर सके। बस इतनी सी बात है, प्रार्थना से बस इतनी सी दरकार है। ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीजें हैं, ऑल थिंग इन द यूनिवर्स यानी होता है बच्चों ऑल थिंग्स इन दिस कॉस्मोस, देखो ऑल थिंग इन द यूनिवर्स, इसे बच्चों आप स्पेस भी कहते हो, जैसे यूरी गागरिन वाज द फर्स्ट पर्सन हु वेंट इन टू स्पेस, इसे बच्चों आप कॉस्मोस भी कहते हो। तो व्हाट आर दीज आर नथिंग बट सिनोनिम्स, ये बच्चों सिनोनिम्स हैं। तो ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स अर्थात इस ब्रह्मांड की सकल वस्तुएं इंक्लूडिंग द सन एंड द मून एंड द स्टार्स, जिसमें कौन कौन शामिल है, धरती चांद सितारे, ये धरती चांद सितारे ये सब शामिल है बच्चों इसमें, सूरज भी शामिल है, वो भी सर्टेन लोज। लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये प्रकृति एक निश्चित नियम का पालन करती है कि नहीं? उत्थान और पतन प्रकृति का नियम एक अविराम है, करती प्रकृति सदैव अपना नियम पूर्वक काम है। उत्थान और पतन प्रकृति का नियम एक अविराम है और करती प्रकृति सदैव अपना नियम पूर्वक काम है। सूर्य अपने निश्चित समय के ऊपर आकर के क्या हो जाता है, उदय हो जाता है और अपने निश्चित समय के ऊपर अस्त हो जाता है। बताओ एक डेफिनेट लॉ जो है उसका पालन कर रहा है कि नहीं? चांद अपने निश्चित समय पर आता है और कहते हैं पूर्णिमा को थोड़ा स्टाइल से आता है और बाकी अमावस्या को तो आता ही नहीं है, तो बच्चों उसका फिक्स है मामला। तो मुझे बताओ इस प्रकृति के अंदर ऐसा कौन है जो प्रकृति के निश्चित नियमों का पालन नहीं कर रहा है, सब कर रहे हैं। इसी को अनुशासन कहते हैं, इसी को मर्यादा कहते हैं, इसी को डिसिप्लिन कहते हैं, और वो हमारी जिंदगी में नहीं है, और अगर है तो वो धीरे धीरे कम हो रहा है। यही बच्चों एक दिन हमारे पतन की क्या बनेगी, सब यही हमारे पतन का सबसे बड़ा सबब बनेगा, यही हमारे पतन की सबसे बड़ी वजह बनेगी। तो यह बताया गया देखो कि ओवे सर्टेन लॉज दे ऑल अबाइड बाई सर्टेन लॉज ऑफ नेचर, यानी कुदरत के जो नियम हैं उन कुदरत के कुछ नियमों का सब पालन करते हैं विदाउट द रिस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस, विदाउट द कंट्रोलिंग इफेक्ट का मतलब होता है बच्चों नियंत्रणात्मक प्रभाव के बिना ऑफ दीज लॉज इन लॉज अर्थात इन कानूनों के नियंत्रणात्मक प्रभाव के बिना द वर्ल्ड विल नॉट गो ऑन फॉर अ सिंगल मोमेंट, ये दुनिया एक पल के लिए भी नहीं चल सकती है। अगर बच्चों सूरज अपना अनुशासन खो दे, छोड़ दे वो अनुशासन, वो टाइम से उदय होना और टाइम से अस्त होना बंद कर दे, चांद अपनी गति छोड़ दे, हवाएं अपनी गति छोड़ दें, सागर अपनी मर्यादा छोड़ दे, तो मुझे बताओ कि हम अपना ये जो वजूद है
इसको कितनी देर तक कायम रख सकेंगे? बिल्कुल नहीं रख पाएंगे। एक दिन के लिए भी यह संसार चल नहीं सकता है यदि ये तमाम शक्तियां अपने अनुशासन को छोड़ दें तो। जब ये सब शक्तियां अपने अनुशासन में रहती हैं, दे ऑल मेंटेन देयर डिसिप्लिन, दे ऑल रिमेन इन देयर डिसिप्लिन, वे सदैव अपने अनुशासन में रहते हैं, देन व्हाई शुडंट वी? फिर हमको क्यों नहीं रहना चाहिए? हमको भी अपने अनुशासन में रहना चाहिए। और ये जो अनुशासन की एक महान प्रक्रिया है, इसमें हमको अपना कंट्रीब्यूशन या अपना योगदान देना चाहिए। विदाउट द रिस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस, यानी विदाउट द इफेक्ट ऑफ दिस कंट्रोल, यानी इस कंट्रोल के इफेक्ट के बिना, या यह समझो कि इस नियंत्रण के प्रभाव के बिना क्या नहीं है, ऑफ दीज लॉज अर्थात इन नियमों के प्रभाव के बिना क्या होता है, समझ में आ रहा है? समुद्र को जब भगवान श्री राम ने कहा हमको रास्ता दे दो, हमको सीता का पता लगाना है, तो बताइए कि समुद्र ने रास्ता दिया क्या? नहीं दिया। तो तीन दिवस तक पंत मांगते, रघुपति सिंधु किनारे बैठे रहे, चंदन उन्हें के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आम राग आग राम के सर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। तो बच्चों आप ही बताओ कि समुद्र रास्ता कैसे देता? उन्होंने कहा कि साहब अगर हमने आपको इस प्रकार से रास्ता दे दिया तो फिर तो गड़बड़ जाएगा काम, अगर मैं अपनी मर्यादा कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं आप ही के आदेश से अपनी मर्यादा का पालन कर रहा हूँ। तो बच्चों बात यह है कि सबको अपने अनुशासन में रहना चाहिए, सबको अपने डिसिप्लिन में रहना चाहिए, है ना। द वर्ल्ड विल नॉट गो, द वर्ल्ड विल नॉट गो इवन फॉर ए सिंगल मोमेंट, यू हूज मिशन इन लाइफ इज सर्विस ऑफ योर फेलो मैन। बच्चों आप अच्छे समझ लीजिए कि आप इस धरती पर क्यों आए हो, आपको रब ने क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है कि ताकि आप अपने फेलो मैन अर्थात अपने जो साथी लोग हैं उनकी सेवा कर सको। तो यू हूज मिशन, आप जिनका लक्ष्य मात्र क्या है, ओनली टू सर्व और द सर्विस ऑफ योर फेलो मैन, अपने साथी लोगों की सेवा करना ही आपके जीवन का लक्ष्य है। तो यू विल गो टू पीसेस, तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी, तुम्हारे प्रकच्चे उड़ जाएंगे, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, कब हो जाएंगे? इफ यू डू नॉट इम्पोज ऑन योर सेल्फ सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन, यदि किसी न किसी प्रकार के अनुशासन के नियमों को आप अपने ऊपर थोपोगे नहीं या लागू नहीं करोगे, यानी अगर आप बिना अनुशासन के रहोगे, आप उच्छृंखल रहोगे, आप अमर्यादित रहोगे, तो बच्चों क्या होगा? आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, आपके क्या हो जाएंगे? विल गो टू पीसेस, यानी तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी। इसका मतलब ये समझो कि तुम्हारा व्यक्तित्व जो है वो बिखर के रह जाएगा। एंड प्रेयर इज ए नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, और ध्यान दो बच्चों प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक आवश्यक आध्यात्मिक अनुशासन का नाम है। प्रार्थना एक आवश्यक आध्यात्मिक अनुशासन का नाम है, इट इज डिसिप्लिन। ये बच्चों अनुशासन ही तो है। एंड रेस्ट्रेंट्स, ये बच्चों अनुशासन और कंट्रोल ही तो है, दैट सेपरेट्स अस फ्रॉम द ब्रूट, जो बच्चों हमको पशुता से अलग करता है। आप इस बात को ये समझो कि दो बातें अगर आपकी जिंदगी से खत्म कर दी जाए, पहली बात तो क्या बताई, एक तो बताई बच्चों डिसिप्लिन, और दूसरा बताया रेस्ट्रेंट। इसका मतलब इफ यू आर विदाउट डिसिप्लिन एंड रेस्ट्रेंट, इफ यू आर विदाउट डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, यदि डिसिप्लिन और कंट्रोल, जिसको अनुशासन और संयम कहते हैं, को यदि आपके जीवन से निकाल दिया जाए, देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड ए ब्रूट, देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड एनिमल। आप और जानवर के अंदर कोई जो वाइल्ड एनिमल होता है उसमें और आप में क्या फर्क है? तो बच्चों ये डिसिप्लिन ही तो है, ये कंट्रोल अर्थात ये संयम ही तो है, दैट सेपरेट अस फ्रॉम अ ब्रूट, जो हमको एक ब्रूट अर्थात एक पशु, है ना, एक पशु से जो है हमको अलग करता है, पशु से जो हमको अलग करता है। इसलिए बच्चों आपको समझना चाहिए कि अनुशासन माने डिसिप्लिन, जो कहाँ से आता है? प्रेयर से आता है। प्रेयर, डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, जिसको हम कहेंगे प्रार्थना, अनुशासन और संयम, ये हमारे जीवन में बेहद जरूरी है। और हमको अभी से क्या करना चाहिए? इन तीनों तत्वों या इन तीनों कारकों को अपने व्यक्तित्व के अंदर विकसित करने का अभ्यास हमें अभी से शुरू कर देना चाहिए। तो बच्चों आज की बात यहीं समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।